दोस्तों इस वीडियो में आपको दो नए अलग अलग अपडेट दूंगा जो कि दोस्तों एक अलग है और एक अलग है। तो दोस्तों पहला जो अपडेट है वो तीन डिवाइस के लिए है जो कि दोस्तों छोटा सा अपडेट है, इसलिए मैंने सोचा कि इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूं और आपका टाइम भी बचा दूं। तो दोस्तों पहला अपडेट है Realme 3 Pro के लिए और Realme U 1 और Realme, ये तीनों अपडेट, ये तीनों जो डिवाइस है इसमें सेम अपडेट आया है। तो जो मैं आपको अपडेट अभी बताऊंगा वो दोस्तों तीनों डिवाइस के लिए सेम ही आया है। तो दोस्तों ये छोटा सा अपडेट है, देख के आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा। तो दोस्तों ये तीनों डिवाइस मैंने बताया, इसमें दोस्तों आपको डार्क मोड अनेबल तो पहले से मिलता था, लेकिन दोस्तों वो आपको सेटिंग में जाके सबसे नीचे Realme लैब में जाके उसका दोस्तों उसके अंदर में जाके डार्क मोड एनेबल करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों ये अपडेट आया है, इसमें दोस्तों आपको अपडेट कर लेना जो आपका डिवाइस होगा Realme 1, Realme U 1 और Realme 3 Pro, इसे आप अपडेट कर लोगे तो दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन बार आप स्लाइड करते हो ना उसके ऊपर ही दोस्तों आपको डार्क मोड ऑप्शन मिलेगा, जिससे दोस्तों आप कुछ भी मतलब आपको अंदर जाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों आप नोटिफिकेशन बार से स्वाइप करोगे ऊपर में डार्क मोड का ऑप्शन रहेगा, आप उसे टच कर दोगे आपका डार्क मोड डायरेक्ट एनेबल हो जाएगा। मतलब बोला जाए तो दोस्तों इस अपडेट के थ्रू आपका जो डार्क मोड है वो दोस्तों रिसेंट मतलब नोटिफिकेशन बार में आ जाएगा और दोस्तों आपको ज़्यादा मेहनत करने नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यही वो अपडेट था और इसमें साथ में दोस्तों इन तीनों डिवाइस में नवंबर का सिक्योरिटी अपडेट पैच दिया गया है, जिससे दोस्तों आपके कार के मोबाइल में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। दोस्तों यही वो छोटी सी अपडेट थी जो कि ये तीनों डिवाइस में थी, वो मैं आपको बता दूँ। अब चलते हैं अपने दूसरे अपडेट की तरफ जो कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ Realme 3 Pro के लिए, वो दोस्तों क्या क्या अपडेट है और दोस्तों कुछ कुछ नए फीचर्स ऐड हुए Realme 3 Pro में। तो प्लीज़ कंटिन्यू वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल हमेशा आपको इस तरह के नए अपडेट मिलने रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पे चलते हैं और कौन कौन से वो नए अपडेट है वो सब मैं आपको पूरे डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों पहला अपडेट तो मैंने आपको बता दिया कि डार्क मोड आपको अब से नोटिफिकेशन बार में मिल जाएगी, आपको अंदर जाने नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहला अपडेट वही था जो कि आपको डार्क मोड आपको नोटिफिकेशन बार में मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे अपडेट की तरफ। दूसरा अपडेट दोस्तों आपका कॉल फीचर से, दोस्तों अभी बहुत सारे लेटेस्ट डिवाइस में आप देखते होंगे थोड़े हायरली रेंज वाले, तो दोस्तों उसमें अगर आपका किसी का कॉल आता है तो उसमें एक फंक्शन रहता है कि अगर आपका कॉल आया तो दोस्तों मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करने लगता है, मतलब भूक भाग करने लगता है। तो दोस्तों ये फीचर Realme 3 Pro में नहीं था, आप इसे इस अपडेट में आप इसे अपडेट कर लेना और दोस्तों इसको आप नया सेटिंग में जाकर चेक करना और दोस्तों ये कॉल फीचर में नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिससे दोस्तों अगर आपका कोई भी कॉल आएगा तो आपका फ्लैश लाइट ब्लिंक करने लगेगा, भूक भाग करने लगेगा। यही दोस्तों अपडेट है जो कि Realme 3 Pro में अपडेट किया गया। अब हम दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों हमारा वॉल्यूम बटन से है। दोस्तों आप भी कोई भी सेल्फी कैमरा लेते हो या फिर हॉरिजॉन्टल में या फिर किसी भी स्टाइल में, दोस्तों आप वॉल्यूम बटन से आप कुछ प्रेस करते हो दोस्तों बहुत सारे इश्यूज होते होंगे। दोस्तों इस अपडेट में आपको वो इशू भी नहीं है, मतलब इस अपडेट में दोस्तों आपको वो इशू भी क्लियर कर दिया गया है, ऐसा Realme 3 Pro में बताया गया है। दोस्तों आप इसे अपडेट करिएगा, आपका जो वॉल्यूम बटन में जो कि दोस्तों बार में प्रॉब्लम होता था सेल्फी और फोटोज देने में, वो सारे अपडेट इस अपडेट में सारे इशू को इस अपडेट में क्लियर कर देंगे। दोस्तों तीसरा अपडेट अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों आपका एक मतलब अपडेट जो आप इसे कर लोगे दोस्तों, अगर आपका होम बटन जैसे लॉन्चर में आप होम में रहोगे, आप किसी भी क्लियर वाले एरिया में जैसे ब्लैंक एरिया जो रहता है उस पर टच करोगे ना तो आपका जो रिसेंट टास्क होता है वही वाला ऑप्शन आपको वहीं पर देखने में। और मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, आप दोस्तों जैसे मान लीजिए मेरा साइड में यहाँ पे ब्लैंक, आप जब मोबाइल के होम स्क्रीन में रहते हो साइड में जहाँ पे खाली रहे वहाँ पे टच करोगे तो दोस्तों आपका जो रिसेंट टास्क होता है साइड वाला बटन जो नोटिफिकेशन स्लाइड करते हो, तो दोस्तों आप कहीं भी साइड में टच करोगे होम में रहते हो तो दोस्तों आपका रिसेंट टास्क ओपन हो जाएगा। ये दोस्तों एक नया फीचर जो दोस्तों काफ़ी कमाल का लगा मुझे। तो दोस्तों ये कुछ नए अपडेट्स आए, आप Realme 3 Pro अपडेट कर लेना जो कि दोस्तों यही अपडेट थे Realme 3 Pro के लिए। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कौन कौन से वो नए अपडेट है, आप जाइए Realme 3 अपना अपडेट कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों इस समय से आपको इस तरह के टेक वीडियो देखने को मिलते रहेंगे जो कि नए अपडेट से रिलेटेड। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।